मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और अभी टाइम हुआ है सुबह के 6 बज रहे हैं, तो आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज है 15 जून, तो कल रात में मैं 11 बजे समथिंग पहुंच गया था अपने घर, जो कि आपने लास्ट ब्लॉग देखा था, उसमें छतरपुर वगैरह काफ़ी मल्टीपल लोकेशन में गया था। तो एक ब्लॉग भी मुझे एडिट करना है और आज शायद ब्लॉग लेट आएगा, तो जल्दी से मैं ब्लॉग वगैरह का काम भी स्टार्ट कर देता हूँ। भाई मैं नहा के फ्री हो गया और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं समथिंग। अभी मैंने खाना नहीं खाया, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। एक्चुअली आज ज़्यादा लेट हो गया हर काम में, क्योंकि रात में पहुँचा था समथिंग 11:30 बजे। इसके कारण सुबह तो मैं उठ गया था, बट सुबह से सिर दर्द हो रहा था और उसके बाद फिर मैं वीडियो एडिट करने के लिए बैठ गया। और अभी समथिंग 2 बजे मैंने वीडियो पब्लिश किया है, काफ़ी लेट हुआ आज, सॉरी उसके लिए यार। मैं मतलब कल वहाँ फंस गया ना अपने काम में, तो मैं वापस नहीं आ पाया, इसलिए वीडियो एडिट नहीं हुआ और सही टाइम से नहीं आ पाया। तो अभी आज तो बादल हैं और धूप कुछ ऐसी है। घर के बारे में मैंने वीडियो डाला है कैसा क्या दिखता है, और अभी तो सारी प्रिपरेशन चल रही है सामान की। सुबह से काफ़ी लोगों से डिस्कशन भी हुआ कि क्या सामान कैसे क्या ख़रीदना है। साथ में अभी हमने एक घर की व्यवस्था की है, क्योंकि हमारा जो सामान इस वाले रूम में रखा हुआ है ना, वो काफ़ी सारा सामान है जो कि हम इसके अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि ये वाला जो है ना घर में, अभी आपको दिखाता हूँ कैसा है। आप देखो ये दीवार यहाँ से है ना, पूरा यहाँ से चटकी हुई है यहाँ, तो वहाँ भी। तो बरसात के टाइम पे क्या है ना, कभी भी मतलब ऐसा लगता है कि कभी भी ये गिर सकता है, तो इसलिए जो इस वाले रूम में जो भी सामान रखा है हमारा, वो हमारे जो बड़े पापा हैं ना, उनका वो वाला घर है, वो पक्का बना है, तो उसका एक कमरा हमने उनसे ले लिया है कि आप कुछ महीने के लिए हमारा सामान वहाँ पर रख जाएगा, एक कमरा दे दीजिए, तो उनने दे दिया। तो यहाँ का जो सामान है, अभी हम जाके वो कमरा भी क्लीन करेंगे, वो यहाँ का सामान वहाँ शिफ्ट करेंगे। तो अभी तो यार पानी डाला है मैंने इसमें भिंडी में वहाँ पे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, वो 2-3 दिन से पानी नहीं डला है सब्ज़ी में ना, तो अभी पानी डाल दिया, अभी यहाँ पे पानी चल रहा है। और इसके बाद खाना खाने के बाद मैं जाऊँगा उस कमरे में, वो कमरा भी क्लीन करूँगा। तो भाई आज का खाना स्टार्ट करते हैं। आज खाने में है रोटी और ये है कर्ड राइस, वैसे हमारे घर पर तो इसको महेरी बोलते हैं, और बेंगलोर में तो ये बहुत बिकता है कर्ड राइस के नाम से। और ये है नौरपा की भाजी, और साथ में ये है आम की चटनी। तो यही खाना है अभी का, तो यही खाना है, तो मैं फटाफट खाना खा लेता हूँ। तो भाई सफाई तो नहीं हुई, जिस रूम को साफ़ करने जाना था नहीं गया, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी, तो सीधा सो गया और लाइट गई तो नींद खुली। अभी काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और अभी जो मौसम है बारिश वाला बन रहा है। वैसे टाइम 3:50 हो गया और 4 बजे हमें जाना है यहाँ पे जो बस स्टॉप है ना, जहाँ पे मैं आया था परसों, तो वहाँ पे जाना है। एक बस आ रही है 4:15 बजे आती है छतरपुर से, जो कि हमने वो चौखट ख़रीदी थी ना, तो वो शिवम ने उस पर लोड करवा दी थी बस पे, तो हमें यहाँ पे उतरवानी है। अभी भाई गया है वो एक ठिलिया ढूँढने के लिए, हाथ ठेला, क्योंकि बस स्टैंड से हमें घर तक लाने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी चलते हैं बस स्टैंड और उतार के लाते हैं अपनी चौखट। आध घंटे से वेट कर रहे, बस नहीं आ रही। तो भाई हम लोगों की बस आ गई है, अब इससे उतारनी है चौखट। पानी भी गिर गया यहाँ पे, बारिश भी हो गई। पकड़ो पकड़ो, इतने साइड में रख दो सतीश। भाई यहाँ पेड़ के नीचे खड़े हैं, चौखट तो नीचे उतर गई, बट यहाँ से घर कैसे लेके जाना है अभी ये पता नहीं है, क्योंकि अकेले वैसे लेके जाते नहीं बन रहा है, और साथ ही कोई ठिलिया जो ठेला है ना उसकी व्यवस्था नहीं, हाँ ठेला की व्यवस्था नहीं हुई है। तो भाई गाड़ी लेने गया है, मे भी गाड़ी से ट्राई करेंगे कि गाड़ी से हम इसको घर तक ले जा सकें। संभल के संभल के, अरे तुम सही ड्राइवर नहीं। काम जो लगना है ना हमारा, यहाँ पे लगना है, ये वाला है घर, इसको बनाएंगे। 2 रूम यहाँ पे है, एक हॉल, वहाँ एक छोटा रूम, वहाँ किचन लैट्रिन बाथरूम पीछे। तब हम लोगों की चल रही है सफाई यहाँ पे, जो कमरा दिया था ना
तो इस वाले कमरे को साफ कर रहे हैं और साफ करके सारा सामान यहाँ पे रखेंगे। वो को साफ होते तो करो वो कोनिया में। तो अभी हम लोगों ने सोफे रख दिए यहाँ पे केवल इस कमरे में, तो मतलब स्पेस कम है जिस हिसाब से हमारा सामान है ना। तो अभी सोफ़ा ही आया है, सोफ़ा भी बड़ी मुश्किल से निकला है भाई इस वाले गेट से, बिल्कुल एडजस्ट कर करके। और हम लोग लाए हैं उस वाले कमरे से, वहाँ से घूम के वहाँ से ऐसे। कल हम लोग सोच रहे हैं ना कि ये वाली जो जाली लगी ना इसको खोल दूँ और सामान बाकी का यहाँ से लेके आऊँ। मेरा तो प्लान था कि इसमें बेड भी रख दूँ, बट प्रॉब्लम ये कि बेड है 7x7 का, तो मे भी मुश्किल ही आएगा क्योंकि अभी इनको रखने में भी और जगह लगेगी और भी काफ़ी सारा सामान है जो हमारा उस कमरे में रखा ना। बट ट्राई करेंगे, कल ट्राई करेंगे, अभी तो क्या ना शाम हो गई, अगर थोड़ा बहुत होगा ना तो अभी रख लेंगे। टाइम कितना 6:34 हो गया, आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। अभी भाई बजे हैं 7 बज गए हैं और यहाँ का वेदर देखो कितना चेंज हो गया है। यही अभी 2 दिन पहले ना जब से मैं आया ना, कल भी और परसों भी इतनी तेज़ गर्मी थी, इतनी तेज़ धूप थी ना, बट आज एकदम बादल हो रहा है और बारिश वाला मौसम हो रहा है। आज तो फुल बारिश वाला मौसम हो रहा है। मोटा भाई अपने वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे, और मौसम तो बढ़िया है लेकिन लाइट नहीं है यार, तो लाइट के कारण फुल अंधेरा। अभी वैसे बरसात तो स्टार्ट नहीं हुई, बरसात के टाइम पर इतने टाइम तो यार मतलब चारों तरफ ची चू ऐसे आवाज़ आने लगती है, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी नेचुरल जो साउंड है ना पक्षियों का, वो तो यहाँ पे आता ही रहता है, वो हमेशा आप सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे। तो भाई पापा का फ़ोन आया तो अभी जा रहे हैं सिमरिया, पापा को लेके आते हैं। भाई 9:45 बज गए हैं, समथिंग 8:47 हो गया है टाइम, और मैं पापा को लेके आ गया हूँ घर। तो अभी यहाँ पे क्या है ना, लाइट नहीं है तो मोबाइल से काम चला रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ ना कि शाम के टाइम पे आपने देखा होगा कि बारिश हो गई थी थोड़ी, तो उस वजह से लाइट नहीं आ रही। यहाँ पे गांव में ज़्यादातर यही सीन होता है कि थोड़ी बहुत बारिश हो जाए या फिर तेज़ हवा चल जाए, जिसे यहाँ पे आंधी बोलते हैं, उसके कारण यहाँ पे थोड़ा लाइट को कट ही कर देते हैं। कई बार क्या होता आंधी की हवा के कारण ना खम्भे वगैरह भी टूट जाते, वायर वगैरह भी टूट जाते, तो वो प्रॉब्लम होती है। बट आज का नहीं पता कि क्या दिक्कत हो गई, अभी तक लाइट नहीं आई है, और लाइट नहीं आई तो मुझे जो वीडियो भी एडिट करना था वो भी काम पेंडिंग है। मतलब ये डेली प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, कहीं लाइट की आ रही, लाइट का ज़्यादा इशू आ रहा है क्योंकि लाइट नहीं रहती, तो अगर दिन में भी मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाता क्योंकि गर्मी ज़्यादा तेज़ रहती है। और मम्मी बना रही हैं अभी खाना, आज खाने में बना रही हैं बाटी, और साथ में बना रही हैं भरता, बैगन का भरता, और उसमें आम भी डाल रही हैं खट्टा वाला। तो आपने पहले के वीडियो में देखा होगा मैंने जो बाटी खाई थी ना भोपाल में, वो बाटी थी ओवन की बनी हुई, जो कि गैस के ऊपर ओवन रख के वहाँ पे बनाते हैं। बट जो मेन बाटी बनाने का जो नेचुरल प्रोसेस है मैं आपको वो दिखाता हूँ। एक्चुअली गांव में जो बाटी बनती है ना उसमें प्रॉपर कंडे की आग लगाते हैं, कंडे वाला जो आग रहता ना वो उस पर बाटी को सेकते हैं। देखो ये बन रही है, मम्मी बना रही है, मम्मी ने वैसे सेक के रख ली हैं, इनमें घी भी लगा दिया है, साथ में यहाँ पर कुछ तोड़ रही हैं लड्डू बनाने के लिए, और ये बैगन है जो भूंज के रेडी है, साथ में वहाँ पे ओनियन को भी भूंज लिया है और आम भी है। तो जो ये बाटी है ना सारी इस पर सेक के रखी हैं, तो इनका जो टेस्ट होता है ना वो टेस्ट एज कम्पेयर टू दैट वन ओवन वाली जो बाटी है ना उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है। डायरेक्ट आग में जो बाटी सेकते हैं ना उसका टेस्ट अच्छा होता है, क्योंकि उसमें आग जो राख होती है आग की राख उसका भी साथ में टेस्ट आ जाता है। तो अभी यही खाना बन रहा है, और लाइट का तो मे बी लाइट नहीं आएगी, बट खाना बन रहा है तो थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे। और भाई यहाँ पे लेटा है अंधेरे में और पापा तो बाहर गए हुए हैं, तो थोड़ी देर बाद मम्मी खाना रेडी कर रही हैं, उसके बाद खाना खाएंगे और लाइट का वेट करेंगे। अगर लाइट आ जाएगी होपफुली तो ठीक है, अदरवाइज कोई नहीं सोएंगे, आज बाहर ही सोना पड़ेगा ऐसे अंधेरे में। तो भाई बज गए हैं रात के 10:15, लेकिन यहाँ पर लाइट नहीं आई,
तो आज तो ऐसे ही सोएंगे, वीडियो भी एडिट नहीं किया और वीडियो एडिट करूंगा अब सुबह उठ के। तो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट।